I'll cut the talk here and इतनी बड़ी शादी है तो पंडित जी तो बनते ही हैं. तो इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर हमारे जो पंडित जी हैं इस होल शादी के बुलाते हैं मिस्टर शशांक खेतान को. प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. हाय सर, हाउ आर यू? वेरी गुड. प्लीज हैव अ सीट. अब शादी इतनी बड़ी हो बिग फैट इंडियन वेडिंग से बुलाते हैं, पैसे तो लगेंगे. सो लेट्स कॉल अपॉन द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस फिल्म मिस्टर करण जौहर. Ladies and gentlemen, a big round of applause. Good afternoon, sir. Also, the co-producer of this film, Mr. Apurva Mehta. Ladies and gentlemen, a big round of applause. Ab jab Kazi ready hai, to Mia Bibi bhi obviously ye baat hai, razi honge. To Varun and Alia, ladies and gentlemen, a big round of applause. Isse zyada ho sakta hai, yaar. Come on, let's give them a big round of applause. लगता है वो ऊपर का सेक्शन ब्रेकफास्ट करके आया है. टू मूव ऑन, क्योंकि ये स्टोरी, ये लव स्टोरी है ना, बड़ी फिल्मी टाइप की लव स्टोरी है. एक ट्विस्ट तो आना ही है इस फिल्म में, एक ट्विस्ट तो बनता ही है इस फिल्म में. तो इस फिल्म के जो ट्विस्टेड आदमी है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस फिल्म के ट्विस्ट सिद्धार्थ शुक्ला, कैन वी प्लीज हैव हिम ऑन स्टेज. ऐसे बड़े आदमी से टक्कर कर दिया, दिन धन्य हो गया आज. अच्छा ये बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल आलिया, आई लाइक टू आस्क यू समथिंग. यू नो कल आप सभी ने आईपीएल का मैच देखा होगा, वहां पे वरुण आप ही बता रहे थे आपने देखा, कॉरी एंडरसन और आदित्य तारे छाए हुए थे. लेकिन दो और तारे छाए हुए थे, पहली बार ऐसे हुआ है कि वी हैड अ पोस्टर लॉन्च इन एन आईपीएल मैच. आई थिंक इट वाज द बेस्ट आइडिया, अ फैबुलस आइडिया डन. सो व्हाट द होल हम्फी थिंग, ये एक ट्रेंड हुआ है ट्विटर पर, सभी लोग क्लिक कर रहे हैं, दे आर सेंडिंग पिक्चर्स एंड What was this idea? कहाँ से originate हुआ ये? ये idea ना आलिया का. हाँ, ये idea मेरा था. मैं बहुत proudly कहूँगी. हम लोग shooting कर रहे थे, वो थी कुछ करना है, कुछ करना है. And I don't know, मुझे selfie से बहुत प्यार है. तो हमने, मैंने कहा कि हम selfie poster ले लेते हैं. And then I said, no, we should call it the Humphy. और मैंने ऐसे ही कह दिया. And people were like, वरुण तक आले शरा अप एंड ऑल, जस्ट शरा अप एंड ऑल. Eventually everybody really liked it. So I'm so proud that a Humphy is actually working. और ये उठाने वाला मेरा था. हाँ, उठाने वाले उसका. वरुण आप क्या कहेंगे? एक्चुअली आलिया बहुत इनोवेटिव है. मी एंड वरुण जॉइनिंग मार्केटिंग. शी इज गोइंग अ गुड वे. शी इंटरफेयर्स अ लॉट इन मार्केटिंग एडिटिंग ऑफ द फिल्म एंड शी इज डूइंग वेल. आई थिंक टू स्टेट्स में अर्जुन का रोल मेरे को थोड़ा छोटा लगा था. आई नो व्हाई नाउ. ऑलराइट, सो नाउ वी कीप द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड ओपन. तो आप एक एक करके अपना नाम लें और फिर अपना सवाल पूछें. हेलो, करण जौहर से मेरा सवाल है. जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन से. जी, जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन से. ये फिल्म का टाइटल आपने क्यों रखा और क्या मतलब होता है? मैंने इस फिल्म का टाइटल बिल्कुल नहीं रखा. जब मुझे ये स्क्रिप्ट दी गई थी तो ये पहले तो हमारे फिल्म के निर्देशक हैं शशांक खेतान, डेब्यू डायरेक्टर हैं. और बहुत प्राउडली मैं कहूंगा कि ये 13वां डायरेक्टर है जो धर्मा प्रोडक्शंस ने लॉन्च किया है. तो ही इज आर लकी 13th डायरेक्टर. तो इनकी तो रायन जो हमारे क्रिएटिव डेवलपमेंट हेड है, उन्होंने मिलाया था मुझे शशांक से. और जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी तो सबसे अट्रैक्टिव बात ये लगी थी कि स्क्रिप्ट की टाइटल आता थी हम्प्टी शर्मा की लव स्टोरी. तो मुझे वो नाम बड़ा अनयूजुअल लगा, हम्प्टी शर्मा. तो मैं पढ़ने लगा एंड आई रियली लाइक द स्क्रिप्ट एंड आई फाउंड इट अ लॉट ऑफ फन. तो टाइटल इनका है, सजेशन टाइटल का इनके, बस हमने थोड़ा बहुत उसे मॉडिफाई कर दिया और दुल्हनिया बना दिया. बिकॉज आई जस्ट थॉट इट वाज मोर एप्ट फॉर द फिल्म. तो लव स्टोरी हमने निकाल के दुल्हनिया डाल दी. तो इसलिए हम्प्टी शर्मा का जन्म इनसे हुआ है. आप इनसे पूछें अपनी, ये हम्प्टी नाम उनको कहाँ से मिला?